दोस्तों, बदलते वक्त के साथ ही बैंकिंग व्यवस्था में बहुत बड़े बदलाव आए हैं। आजकल बैंकों से कर्ज लेना बहुत आसान हो गया है। बहुत से बैंक अपने ग्राहकों को होम लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन फैसिलिटी भी देते हैं। आप ऑनलाइन ऐप के जरिए आसानी से लोन अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप भी किसी प्रकार का लोन लेने का सोच रहे हैं तो उससे संबंधित ज़रूरी नियम के बारे में ज़रूर जान लें। आमतौर पर यह देखा गया है कि लोगों को लगता है कि अगर किसी व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया है और उस व्यक्ति की लोन चुकाने से पहले मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में बैंक उस लोन को माफ़ कर देता है। क्या सच में ऐसा होता है? ऐसा नहीं है। क्या होता है अगर लोन लेने वाले की मृत्यु हो जाती है तो? आज हम इसी बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। आइए सबसे पहले जानते हैं कि कैसे वसूली की जाती है लोन की राशि। दरअसल अगर आप कोई लोन लेते हैं, फिर चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो या कार लोन हो, सभी प्रकार के लोन को लेते वक्त आपको कोई ना कोई गारंटी ज़रूर देनी होती है। अब अगर किसी वजह से लोन लेने वाले की मृत्यु हो जाती है तो बैंक उसके उत्तराधिकारी से या उसके परिवार से लोन का अमाउंट वसूल करता है। लेकिन एक तरीका है जिसमें लोन लेने वाले की मृत्यु के बाद उसके परिवार वालों को लोन पे नहीं करना पड़ता, लोन का इंश्योरेंस। दोस्तों, यदि लोन लेने वाला ये चाहता है कि उसके मौत के बाद उसके परिवार वाले कर्ज के बोझ के तले नहीं दबे, तो उसके लिए सिर्फ एक काम करना होता है। लोन लेने के दौरान यदि लोन का बीमा करा लिया जाता है तो लोन धारक की मृत्यु के बाद उसका पूरा लोन माफ़ कर दिया जाता है। बैंक बीमा कंपनियों में जमा प्रीमियम से लोन का अमाउंट वसूलते हैं। ऐसे मामलों में परिवार वालों पर कर्ज का बोझ नहीं आता, इसलिए अगर लोन लें तो लोन का इंश्योरेंस ज़रूर कराएं। आइए जानते हैं कि कौन चुकाता है बकाया। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि लोन कौन चुकाएगा, ये इस बात से तय होता है कि लोन किस टाइप का था और इस पर कोलेटरल क्या था। ये पर्सनल लोन था, होम लोन था, कार लोन था या क्रेडिट कार्ड का अमाउंट था, क्योंकि इन सभी सिचुएशंस में अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। अगर होम लोन है, दोस्तों होम लोन एक सिक्योर्ड लोन होता है। अगर होम लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो लोन का बचा हुआ पैसा उसके उत्तराधिकारी को चुकाना पड़ता है। अगर वह लोन की राशि चुकाने में असमर्थ है तो प्रॉपर्टी को नीलाम करके बैंक अपना कर्ज वसूल करते हैं। हालांकि अगर होम लोन लेते टाइम आपने इंश्योरेंस कराया है तो लोन की राशि इंश्योरेंस अमाउंट से वसूल ली जाती है। अगर मृत्यु होने वाले व्यक्ति का यानी कि लोन धारक का टर्म इंश्योरेंस था तो क्लेम अमाउंट नॉमिनी के अकाउंट में डालकर कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है, यानी टर्म इंश्योरेंस के पैसे से भी होम लोन का अमाउंट चुका दिया जाता है। कानूनी उत्तराधिकारी को ये अधिकार होता है कि वो क्लेम अमाउंट से ही बाकी बकाया चुका दे। लोन अगर जॉइंट तरीके से लिया गया है तो लोन रिपेमेंट की जिम्मेदारी उसके ऊपर पड़ती है जो को ओनर होता है। आइए अब जानते हैं कार लोन, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड की सिचुएशन में क्या होता है। दोस्तों, कार लोन की स्थिति में बैंक परिवार वालों से संपर्क करते हैं। अगर बोरोअर का कोई कानूनी उत्तराधिकारी है जो कार को अपने पास रखना चाहता है और बकाया चुकाने को तैयार है तो वो कार को रख के बकाया चुका सकता है, और अगर नहीं तो फिर बैंक वो गाड़ी को जब्त करके उसे बेचकर अपने पैसे की वसूली करते हैं। ये तो था कार लोन की सिचुएशन में। अब अगर पर्सनल या क्रेडिट कार्ड का लोन है तो ये दोनों ऐसे उधार हैं जिनका कोई कोलेटरल नहीं होता, जिसके चलते बैंक बकाया रकम कानूनी उत्तराधिकारी या परिवार वालों से नहीं वसूल सकते। कोई को बोरोअर है तो वो ये लोन चुकाएगा, लेकिन अगर को बोरोअर भी नहीं है तो बैंक को इसे NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर करना पड़ता है। ऐसे लोन को बैंक द्वारा NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया जाता है और इसकी भरपाई बैंकों को ही करनी पड़ती है। तो दोस्तों, ये हमने आपको बताया कि बैंक लोन अगर आपने लिया है या किसी ने लिया है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या वो लोन माफ़ हो जाएगा या वो लोन उसकी फैमिली को या उसकी लीगल हेयर्स को रिपे करना पड़ेगा। तो जब भी कोई लोन लें, कोई सिक्योर लोन लें जैसे होम लोन हो गया, तो इस तरह के लोन को लेते टाइम इंश्योरेंस ज़रूर कराएं, जिससे कि लोन धारक की मृत्यु के बाद उसका बोझ, कर्ज का बोझ उसके परिवार वालों पर ना आए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।
एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.